आप लोगों को करने के लिए मिलता है? हाँ सर। अच्छा, आप सभी लोगों की ड्यूटी लगती है सफाई करने के लिए? टीचर्स आपके यहाँ पूरे हैं? हाँ। कितने बच्चे होंगे आप लोग टोटल? नहीं। क्या बेटा? पूरे टीचर नहीं। सारे टीचर्स नहीं है जितने होने चाहिए? सारे बच्चे के नहीं है, दो टीचर की कमी है। स्टाफ तो सभी थे, और जो फुल टाइम में वो एक पूजा जी हैं, वार्डन जी हैं, वो छुट्टी में गई हैं। तो इस समय विद्यालय आप ही के देखरेख में है? हाँ, रात आप अकेले ही संचालित कर रहे हैं इस समय? रात ये कहीं है और आज कर। कितने स्टाफ की टोटल कमी है मैडम? दो। अच्छा, कुल कितने हैं मैडम आपके यहाँ स्टाफ संख्या में? अच्छा मैम, आपके यहाँ कंप्यूटर एजुकेशन बच्चों को नहीं दिया जाता? नहीं। इसका कोई प्रारूप नहीं है आपके यहाँ? तो मुझे मालूम नहीं। आज का खाना मैम क्या हुआ था? आज क्या क्या मिला था बच्चों को? आज बच्चों को दूध मिला था नाश्ते में सुबह, और टेंडर मिठाई। अच्छा मैम, एक दिन में एक बच्चे पे कितना खर्च होना होता है पर डे? पर डे बेसिस क्या है, बजट क्या है बच्चों को? एक बच्चे पे कितना खर्चा होता है पर डे? 50 रुपया। तो आपने देखा कि यहाँ पे कितनी और किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये जो कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, ये BSA ऑफिस के प्रोमिसेस में ही है, और जब यहीं पे छात्राओं को मिलने वाली तमाम सुविधाएं नदारद हैं, सिरे से खारिज हैं, तो अंदर देहात क्षेत्रों में जो विद्यालय स्थित होंगे उनकी क्या हालत होगी? बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी, ET